बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम किसान दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ और हाजिर हूं आज की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ काटन और मकई के हवाले से। दोस्तों, जैसे कि आपके मालूम है कि जो है इस चैनल पर रोज़ाना मैं काटन और मकई के मकामी और बैनुल अक़वामी रेट्स अपडेट करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर आप हर हवाले से काटन और मकई के हवाले से जो है अपडेटेड रहें और अपनी फसलों को सही रेट के साथ फरोख्त कर सकें। दोस्तों, काटन के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं तो काटन में जो है पिछले 5-6 दिनों से शदीद मंदी का रुझान है और शदीद मंदी का रुझान अभी भी जारी है। इसकी वजह जो है इंटरनेशनल काटन मार्केट, उसका क्रैश होना है और उसकी वजह जो है वो चाइना में जो है ज़ीरो टॉलरेंस है कोविड के हवाले से और उसमें लॉकडाउन में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। वो लॉकडाउन कर रहे हैं मुल्क को और जिसकी वजह से इसके तलब में जो है वो कमी वाकई हुई है और मुसलसल जो है इसमें इज़्तिराब का शिकार हैं जो ताजर हजरात हैं। तो इंटरनेशनल काटन के जो सेंट्स हैं इस वक्त 105.94 पर ट्रेड कर रहे हैं और इनमें जो है कल से आज तक, मतलब जब से ओपन हुई है मार्केट उस वक्त से अब तक 2.27 सेंट गिरावट हुई है और ये 2.09% तकरीबन बनती है। तो शदीद मंदी, कल भी 5 सेंट जो है इसमें कमी वाकई हुई थी। कल जो है ये क्लोज़ हुई थी 108.21 पे और आज ओपन हुई थी 108 पे और ये दिन में 105 से 108 के दरमियान ट्रेड करती रही है और अभी भी तकरीबन 106 पर ये सेंट्स जो हैं ट्रेड कर रहे हैं। तो कराची काटन एसोसिएशन की अगर मकामी मार्केट की बात करें तो कराची काटन एसोसिएशन ने भी 1000 रेट कम कर दिए और इसका रेट आज के लिए उन्होंने मुकर्रर किया है 21,000 रुपये। तो रुई जो है, रुई भी 20,000 से 21,500 तक फरोख्त हो रही है मार्केट में। तो फुट्टी के हवाले से बात करें काटन के हवाले से, तो काटन के हवाले से आपको बताता चलूं कि आज जुमातुल मुबारक है तो आज जो मार्केट है वो बंद है तो आज इसके रेट नहीं आ सके। तो कल की अगर बात करें तो कल सिंध में 6,000 से 8,500 तक रेट्स रहे, पंजाब में 7,000 से 11,000 तक और जो बलूचिस्तान है वहाँ 8,000 से 12,500 तक कल इसके रेट्स थे। तो ये तो थी आज की काटन के हवाले से जो है अपडेट। तो काटन में फ़िलहाल मंदी जो है जारी है, लेकिन जो है परेशान नहीं होना आपने, इसमें कुछ दिनों तक बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि अमेरिकन काटन और इस तरह पाकिस्तान की भी बात करें तो इसमें शदीद किस्म की जो है कमी वाकई हुई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में काटन के रेट्स बेहतर हो जाएंगे। मकई के हवाले से बात करें तो मकई जो है इसमें जो है पिछले 2 हफ्तों से इंटरनेशनल मार्केट में भी और मार्केट जो मकामी मार्केट है उसमें भी तेज़ी देखी गई है। आज ये 661.62 बुशल पे जो है ट्रेड कर रही है और इसमें 3 पॉइंट्स का इजाफा, 3.5 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है जो कि 0.55% बनता है। कल मार्केट 658 पे क्लोज हुई थी और ओपन 657 पे आज हुई थी और 656 से 662 पे ये ट्रेड करती रही है। अगर जो है मकामी मार्केट में मकई के हवाले से बात करें तो मकई जो है मकामी मार्केट में भी इसमें तेज़ी देखी जा रही है और ये 2100 से 2400 के दरमियान ये फरोख्त हो रही है। इसी तरह फील्ड रेट की बात करें तो फील्ड रेट जो है 2200 से 2250 तक भी सौदे हो रहे हैं अगर लोड माल है तो तकरीबन 2100 से 2150 से लेकर 2250 से 2300 तक इसका रेट पहुंच चुका है। तो इसमें काफ़ी बेहतरी आई है और उसकी वजह जो है गंदम का रेट में इजाफा होना भी जाहिर किया जा रहा है। गंदम के रेट्स भी जो है वो अपने बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं, 3200-3300 तक कराची में पहुंच चुके हैं, इसी तरीके से 2800-2900 तक पंजाब में भी पहुँच चुके हैं। तो गंदम के रेट्स में काफ़ी इजाफा हुआ है जिसकी वजह से मकई के रेट्स में भी खातिर का इजाफा देखने में आया है।
ये तो थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ रहिए ताकि आप लम्हा बलम्हा इसकी अपडेट हासिल करते रहें। बहुत शुक्रिया दोस्तों।